कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स इस बाथरूम के बारे में। पॉजिटिव पहले कि सभी जो सर्किट्स हैं वो बाहर लगा है, तो हमें बटन ऑन करके ही अंदर जाना पड़ेगा लाइट के लिए, तो रिस्क कम हो जाएगा। इस बाथरूम में ऊपर सोलार है, इसलिए यहाँ कोई वाटर हीटर नहीं है। बाथरूम में आप देख सकते हैं कि रेज्ड क्लोसेट है, वॉल माउंट, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उस वजह से बाथरूम देखिए काफ़ी दिनों के बाद में आ गया है, लेकिन काफ़ी क्लीन है। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, जैसा देखिए इन्होंने ये जो लगा है शोकेस, ये गलत जगह पे है, और ये शॉवर है, और ये मतलब हैंगर टाइप कुछ है, तो वो डिस्टेंस से काफ़ी कम है। सेकेंड थिंग, अभी इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ऐसी है कि इन्होंने मॉडर्न तरीके से फ्लश वॉल्व लगा है, तो ये फ्लश वॉल्व एक इकोनॉमिक तरीके से लगा है, इसके बारे में बता दूंगा मैं। लेकिन गलती ये की है कि इन्होंने ये टैप जो है एकदम साइड में लगा है, तो ये एक थोड़ा सा कुछ ठीक है, अगर ये टैप का पोजिशन ओके तो ये फ्लश वॉल्व का पोजिशन बराबर नहीं है, ये थोड़ा ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा। और ये जो वॉश बेसन है वो इस साइड हो सकता है, ये जो वॉश बेसन है इस साइड हो सकता है, तो ये एक मिस्टेक मुझे लगता है, इतना कंफर्टेबल नहीं है। अभी इस फ्लश वॉल्व के बारे में, ये फ्लश वॉल्व जैगवर कंपनी का है, इसे 10 साल का वारंटी है, लेकिन इसे लगाया गया इकोनॉमिक तरीके से कि डायरेक्टली टैंक से, ऊपर के टैंक से, मैं पीछे बता दूंगा, ऊपर के टैंक से जो है 2 इंच का, 2 इंच का पाइप लगा है, और वो डायरेक्टली अंदर आके यहाँ पे फ्लश वॉल्व को लगा के ऐसा इसमें पानी गया है। फ्लश वॉल्व भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए और ये सॉफ्ट क्लोज है इसका, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इससे साइलेंट रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बाथरूम।